लगा दिया। लगा दिया ना? अरे बेवकूफ, एक काम तेरे से नहीं होता है क्या? अरे हामियों के बोलाम की घोरा नाल्टा बदल घुरे दी, ये आसान काश्ता कुर्ते पाल लोटा घोड़े को लग बे। अरे घोड़े को लग बे तो तेरे को क्या? इतने सारे घोड़े चलते हैं शहर में, नाल लगा के ही चलता है ना? छोटा सा काम नहीं कर सकता बुरबक। महाराज घोड़ा को वापस लेके चला है, सुना है कभी? सुना है? घोड़े को लग बे। क्या यार, तुम्हारा चाचा सारा दिन बक 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 करता रहता है। कि राजू को ना घर भेज देते हैं। अरे उसे यहां लाया, सोचा कि लड़का कुछ बनेगा। अरे भर दिन क्या सोचता रहता है। इतना दिन कॉलेज कॉलेज, फिर बड़े भाई ने बोला कि उसे काम पे लगा दो, पर हमारे धंधे का भी कुछ उसूल होता है भाई। अरे काम करने का कोई तरीका है कि नहीं? क्या आप तब से हो गए जा रहे? अरे मियां, हम तो वही बात कर रहे हैं। इतना सब कुछ दिमाग पे लेगा तो नहीं चलेगा, समझा? अब देखिए, लोहार लोग अगर काम करते वक्त हाथ में आग लग जाए तो क्या काम छोड़ के भाग जाएगा? ये जो बड़े बड़े अफसर लोग हर रोज दफ्तर जाते हैं, उनका भी टेंशन होता है, सरदर्द होता है, हाँ? वो क्या काम छोड़ के भाग जाता है? सोचता ही नहीं।
जिंदगी में हर इंसान को कुछ ना कुछ झेलना पड़ता है बाबू, एडजस्ट, समझौता। अरे समझौता करना सीख। क्या मियां, अब फिर हूँ। आप जो बोल रहे हैं वो हम समझ रहे हैं, पर हम जो बोल रहे हैं आपको समझ में नहीं आ रहा। वही बात कह रहे हैं। हाँ। वही लड़का का भेजा कुछ है भैया, में तरक्की होगा इसका। हो गया। खिंचे खिंचे हुए रहते हो क्यों? खिंचे खिंचे हुए रहते हो, ध्यान किसका है? जरा बताओ तो ये इम्तिहान किसका है? अरे नहीं नहीं, अरे जनाब आप बेफिक्र रहिए, एकदम सही वक्त पर चला जाएगा। अरे नहीं नहीं, अरे ऐसा कभी हुआ है हुजूर? अरे एकदम चकाचक करके भेजेंगे। हाँ एकदम नहीं दूल्हा की तरह, दुल्हन वाले खुश हो जाएगा। अरे हुजूर आप इतना से रहिए, ठीक है हम भेज देंगे। हाँ हाँ ओके ओके, हाँ हाँ जी हाँ जी। अरे राजू बेटा तैयार कर, लेकर चला जा एकदम सीधा स्टैंड पे, वहां से तू और असगर पार्टी के पास चले जाना। अरे सुबह से 10 बार फल आ चुका था। हाँ हाँ परेशान करके रखा है, जा सकेगा ना बेटा? हाँ कोई टेंशन नहीं है, आराम से। हाँ ठीक है ठीक है। हेलो हाँ, अरे जनाब क्या गाड़ी पे जाएंगे आप शादी करने के लिए? अरे चकाचक एकदम सज धज के घोड़ा गाड़ी भेज दो। हाँ ठीक है ओके ओके ओके। अरे तुम भी यहाँ पे क्या कर रहे हो? अरे तुम जो तू यहाँ पे क्या कर रहा है? क्या हुआ तेरे को? मेरे को क्या हुआ? तेरा चाचा तुझे वापस गांव भेजने वाला है, पता है तुझे? तुझे कैसे पता? मुझे सब पता है। हेल इसका शक्ल तो देखो, क्या सोचते रहते तू दिन भर? इतना सोचेगा तो काम कैसे करेगा? एक घोड़े को नल नहीं पहना सका तेरे को? ना तू ना घर जा, घर जाके शायरी लिख, काम नहीं होगा तेरे से। मैं तो उस दिन बोला मेरा शायरी अच्छा है। चुप, अच्छा है खाक अच्छा है। तू ना बिल्कुल निकम्मा है, पता है? तू खुद जैसा है अपने घोड़े को भी अपने जैसा निकम्मा बना रहा है। ये वो घोड़े का जैसा नहीं है। वो देख वहां जो रेस का घोड़ा है ना, उसको अगर तूने ये टंगे पे लगा दिया ना, एक हफ्ते में मर जाएगा वो। अरे समझा इसको। अरे एटा देसी मुर्गी भाई, ओटा पोल्ट्री आछे। तो हंस मत। देख राजू, उस घोड़े का ग्लैमर देखा है कभी? उसका ना दुबला होने से चल जाता है। हमारे घोड़े का ना ग्लैमर नहीं है, इसका दुबला होने से नहीं चलता। इसको काम करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। अरे ये हेवी ड्यूटी माल है भाई, कुछ समझा? समझ पड़ा कुछ? तू चल मेरे साथ। ये ले।
अच्छा है। 100 रुपए में लिया। हाँ। चल। रुक 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 रुक, देख ग्लैमर देखा इनका। ग्लैमर तो हो गए, कैसे रहता है, क्या क्या खिलाता है, वो देख। चेहरा आज दम नहीं है भाई। तू एक काम कर, चल और एक जगह चल। अरे अब कहाँ जाएगा? अरे चल ना, ले चलती हूँ, चल खुद देख लेना। इंसान है, हम ही तो बोल सकते हैं। देख, इस घोड़े को देख, कोई लफ्ज नहीं है। अगर अगर है भी, कोई समझने वाला नहीं। बोल भाई, बोल भाई। अगर अगर तेरे को कहीं जाना है, मतलब नहीं, मतलब कुछ करना ही है, लेकिन तू साला कर नहीं पा रहा है, तो तू क्या करेगा? सिंपल है यार। क्या? तू ना दूसरी रास्ते से जा। हाँ, या दूसरी नजर से देख उसको। यार ये चाचा ना हमको घर भेजने वाला है। मालूम है, मालूम है।
हमें सब पता है। तू ना एक चीज देख, देखा अरे बस, अरे क्या क्या देखा क्या बोलेगा तू इसको? क्या क्या बोलेगा? तू बोल सकता है कि मैं आग लेकर खेल रहा हूँ। तो बच्चे लोग देखेगा तो क्या बोलेगा? क्या मैजिक है? तू इस अंदर की आंख को मत दिख। बाहर की मैजिक को तो देख। ये जो घोड़े चल रहा है मैजिक नहीं है, दुनिया में सब कुछ चल रहा है मैजिक ही तो है। कैसे चल रहा है? कौन सा घोड़े खींचते उसको किसी को नहीं पता। सबको अपना अपना मैजिक आता है दोस्त। तू अपनी अंदर की मैजिक को ढूंढ। ये सब नसीब है यार, ये नसीब क्या है? वो भी एक मैजिक ही है। तू गालिब साहब का नाम सुना है ना? हाँ, क्या बात कर रहे हो, जरूर सुना है। खर्च क्या है इरशाद? कितना खौफ होता है शाम के अंधेरों में, कितना खौफ होते हैं शाम के अंधेरों में। पूछ उन परिंदों से जिनके घर नहीं होता। क्या मैजिक जानते थे गाली साहब? और एक सुनेगा? हाँ जरूर। हाथों के लकीरों पे मत जाओ गालिब, हाथों के लकीरों पे मत जा ए गालिब। नसीब उनके भी होते हैं जिनके हाथ नहीं होते। क्या बात अब्दुल भाई, बढ़िया है, क्या बात। रजेश